Assalamualaikum. Welcome to my channel that is Yummy Recipe. Please do like, share and comment. Do subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon. तो आज मैं prepare कर रही हूँ. Instant से सिर्फ 15 minutes में बन जाती है. चकली यानी मुरक को भी बोल सकते हैं. तो इसे बनाने बहुत आसान है, बहुत easy सी recipe है. Please try करें. सिर्फ 15 minutes में बन जाती है. As a snack serve कर सकते हैं. As a tiffin भी serve कर सकते हैं. तो बहुत easy सी recipe और बहुत tasty है. तो please try करें. और इसको बनाने के लिए जो ingredient में ज़रूरत है, यानी need है, तो वो देख लेते हैं. यहाँ पे मैंने फूटना दाल ले लिया, बस्टिंग लेंटिस 1 cup यानी ग्राम में 250 ग्राम, और ब्लैक ग्राम लेंटिस 1/2 cup यानी उड़द दाल ग्राम में 120, स्प्लिट चिकपीस यानी चना दाल 1/2 cup ग्राम में है 120 ग्राम. तो ये तीनों को मीन्स फूटना दाल को रोस्ट नहीं करना है, सिर्फ चना दाल और उड़द दाल. और यहाँ पे पैन में मैंने यहाँ पे पैन ले लिया है, और इसमें जो चना दाल है वो स्मेल आने तक यानी खुशबू आने तक उसको अच्छी तरह रोस्ट कर लें और इसको डिसॉल्व कर लें. और इसी तरह जो उड़द दाल ले लिया है यानी स्किनलेस ब्लैक ग्राम लेंटिस, उसको भी गोल्डन ब्राउन होने तक उसको भी रोस्ट कर लें, यानी जब तक कि स्मेल आ जाए, खुशबू आने लगे, तब तक के लिए इसको रोस्ट कर लें और इसको निकाल लें. और इसको ठंडा होने के बाद क्यूमिन सीड्स यानी जीरा डालकर इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लें. यहाँ पे राइस फ्लावर ले लिया है 2 cup और ग्राम में है 500 ग्राम, वो डाल दें. और जो हमने उड़द दाल और चना दाल ले लिया था उसमें क्यूमिन सीड्स यानी जीरा डालकर 1 teaspoon जीरा डालकर उसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लें, ठंडा होने के बाद, यानी पूरा कूल होना चाहिए. तो उसके बाद जो हमने फूटना दाल ले लिया उसको भी अच्छी तरह ग्राइंड कर लें, एक फाइन पाउडर होना चाहिए, तो वो भी ग्राइंड करके वो भी डाल दें. और यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 2 teaspoon ले लिया है, वो भी डाल दें. और यहाँ पे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर 1 teaspoon ले लिया है, वो भी डाल दें. तो नेक्स्ट यहाँ पे साल्ट ले लिया है 1 teaspoon, और यहाँ पे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं. और यहाँ पे कारवे सीड्स 1 teaspoon यानी अजवाइन, इसको हथेली के बीच रखकर इसको अच्छी तरह मसल कर डालें, यानी क्रश कर कर डाल दें. तो इस तरह डालने से जो फ्लेवर है अजवाइन का वो डो में अच्छी तरह एब्जॉर्ब भी होगी और अच्छी सी टेस्ट आएगी जो चकली बनाते हैं. और सारे ड्राई इन्ग्रीडियंट को अच्छी तरह मिक्स कर लें. और मेरे को यहाँ पे साल्ट थोड़ा कम लगा इसलिए फिर डाल दिया मैंने. तो आप चाहे तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं. और इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लें पहले ड्राई इन्ग्रीडियंट को. और यहाँ पे वॉर्म देसी घी ले लिया है 1/2 cup, घी को हीट कर ले यानी गर्म कर ले फिर डालें. और यहाँ पे केयरफुल मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, घी गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं यानी कूल नहीं, तो वो भी डालकर इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लें. और नेक्स्ट यहाँ पे मैंने वॉर्म वाटर ले लिया है, मेरे को यहाँ पे 3 cup यूज़ हुआ है. तो एक फाइन सा डो बनाने के लिए जितना यूज़ होता है उतना ले लें, लेकिन वो भी वर्म होना चाहिए, कूल नहीं यानी ठंडा नहीं, नॉर्मल वाटर नहीं, वर्म वाटर. तो उसको भी मिक्स कर लें. और यहाँ पे ब्लैक सेसमी सीड्स यानी ब्लैक तिल ले लिया है 2 teaspoon, आप चाहे तो वाइट तिल भी ले सकते हैं. तो इसे मैंने यहाँ पे बहुत अट्रैक्टिव दिखने के लिए और बहुत टेस्टी बनने के लिए चकली ये डाल दिया है, आप चाहे तो वाइट भी डाल सकते हैं, तो वो डाल दें. और यहाँ पे फिर से मेरे को वाटर यूज़ हुआ है, तो वो भी वाटर भी डालकर इसको अच्छी तरह जैसे नॉर्मल डो बनाते हैं ऐसे बना लें, इसको नीड करते हुए अच्छी तरह मिक्स कर लें. और ये बन गया डो. तो मैंने यहाँ पे चकली मेकर ले लिया है, तो आप देख सकते हैं चकली का जो साँचा होता है वो डालकर जो हमने डो बनाया था यानी चकली का जो डो बनाया है वो फिल कर दें. और इसकी जो लिड होती है वो लिड लगाकर चकली बनाना शुरू कर दें. तो आप देख सकते हैं कितनी ईजी सी रेसिपी है. तो प्लीज़ ट्राई करें. अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें. और मैं यहाँ पे पार्चमेंट पेपर ले लिया यानी बटर पेपर, आप चाहे तो जो नॉर्मल पेपर होते हैं वो भी पेपर ले सकते हैं. तो इसी तरह चकली बनाकर हम फ्राई कर लेंगे. और चकली डायरेक्ट ऑयल में नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो हमें एक्सपेक्ट करते हैं जो शेप, वो शेप नहीं आएंगे, इसलिए पहले पेपर पर बना लें उसके बाद हम तलेंगे. तो आप देख सकते हैं. और इसी तरह पेपर पर बनाने में मीन्स जो नॉर्मल पेपर है वो स्टिक नहीं होगी, स्टार्टिंग में शेप
मीन्स जो हमें एक्सपेक्ट करते हैं वो शेप नहीं आएंगे, मीन्स आते हैं लेकिन जैसे प्रैक्टिस होती है। मीन्स सेकेंड राउंड भी देख सकते हैं आप, मेरे जो चकली की शेप है इतने सुपर आए हैं जैसे जो बेकरी में मिलते हैं उसी शेप में। तो स्टार्टिंग में ऐसे बिगड़ जाते हैं शेप, आप चाहे तो अपने ओन शेप भी देख सकते हैं चकली को, और आप चाहे तो स्टिक शेप भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं सेकेंड राउंड में कितने परफेक्ट शेप आ गए हैं चकली के। तो इसी तरह जो डो बना लिया है उसी तरह साँचे में यानी चकली मेकर में डाल कर इसको अच्छी तरह लीड लगा कर चकली बना लें। तो मैंने यहाँ पे पैन में ऑयल हीट होने के लिए रख दिया है, जैसे नॉर्मली डीप फ्राई करने के लिए ऑयल लेते हैं उसी तरह। और मैंने थोड़ा डो लेकर उसमें डाल दिया है ऑयल में, और इसके चेक करेंगे जब ये डो ऊपर आ जाए यानी राइज होकर जो ऊपर सरफेस में आ जाए तो ये साइन है कि जो ऑयल है परफेक्टली हीट हो गया है। तो इस टाइम पर चकली डालना शुरू कर दें, और जो पीस डाला है उसे निकाल दें। जो चकली बनाया हमने पेपर पर वो डाल दें। तो आप देख सकते हैं इसी प्रोसेस से सारे चकली डाल दें। तो आप देख सकते हैं कितनी इजी सी रेसिपी है, प्लीज़ ट्राई करें। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन प्रेस करें, और इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करें। तो 2 मिनट तक इसको डीप फ्राई कर लें, लिफ्ट करते रहें ताकि जो ऊपर का सरफेस है वो भी अच्छी तरह कुक हो जाए। तो ज़्यादा मीन्स गोल्डन ब्राउन मत करें एकदम से, वो खाने में मीन्स क्रंची होता है लेकिन खाने में उतना टेस्टी नहीं आएंगे। तो प्लीज़ 2 मिनट तक उतना ही फ्राई कर लें डीप फ्राई। और इसको आप देख सकते हैं इतनी गोल्डन ब्राउन भी नहीं है, सिर्फ नॉर्मल सा गोल्डन ब्राउन है। तो चकली डिश आउट कर लें। तो इसी प्रोसेस से जो मैंने सेकेंड राउंड में जो चकली बनाया था वो भी डाल दिया है। अगर तो हम यहाँ पे वर्म वाटर यूज़ करते हैं, तो वर्म वाटर इसलिए यूज़ करते हैं जो डो है वो परफेक्ट से नॉर्मल जो डो बनाते हैं सॉफ्ट सा हो जाता है, और चकली भी बहुत क्रंची होती है, मीन स्नैक्स में बहुत सुपर। तो आप देख सकते हैं अगर हम डायरेक्टली डालेंगे तो इस तरह शेप आ जाएगा, मीन्स शेप बिगड़ जाएगा, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं शेप वो शेप नहीं आएगा, परफेक्ट शेप भी नहीं आएगा। तो मैंने इस तरह डाल दिया है इसको। आप चाहे तो स्टिक के शेप भी दे सकते हैं, स्ट्रेट जो स्टिक शेप होते हैं इस तरह भी। तो ये लीजिए बन गई क्रंची यानी क्रिस्पी चकली, तो सर्व करने के लिए रेडी है। मैं यहाँ पे आप इसकी साउंड भी सुनाऊंगी आपको कितनी क्रंची है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो इस चकली को आप 2 महीना और 1 महीना भी एयर टाइट कंटेनर में रख कर सर्व कर सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।